तरफ से ये है कनक माता मंदिर की रोड है, सामने देख सकते हैं पूरा सौर्य की रोड है ये, दोनों तरफ रोड की जैसी ये मिट्टी है, रेत बालू रेत। तो कनक माता मंदिर के बाद लौंगे वाला भी जाएंगे, वहाँ भी गाँव है जहाँ पर बताते हैं कि जो पाकिस्तानी घुसा है। काफी सारे डाइवर्जन हैं, बस डाइवर्जन बात है अभी दूर दूर तक आपको देखिए बस जंगली पौधे और रेत और मिट्टी खासी दिखाई देगी, कुछ भी नहीं है। तो दिस इज द रूट टू कनक माता मंदिर और यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट सदस्य रोड क्रॉस करते हुए बछड़े लग रहे छोटे छोटे से। तो आप देख सकते हो जो पहाड़ है यहाँ पर ऐसे बाउंड्री वॉल बना रही है इसमें, ताकि रेत भाटे वगैरह कुछ रोड गए हैं, ये रोड आप देख सकते हो कितने ज्यादा क्लीन है, इसमें थोड़ा सेफ्टी बाउंड्री वॉल बना दी है। ये देखिए दूर जहाँ तक देखो ना वहाँ तक ये रोड दिखेगी, आप देख रहे हो सामने ऐसे समतल मैदान ऐसे पठार पहाड़ बस ये दिखाई देगा आपको। और राइट से भी तनात है 50 किलोमीटर्स, उसके पहले एक गांव है रामगढ़ जिसे शोले में था ना रामगढ़ के वासियों, सो दिस इज रामगढ़। और पता नहीं शोले वाला यही गांव के बारे में जिक्र करते हैं कौन से गांव के बारे में, बट रामगढ़ तो यही है। सुबह तनोत माता मंदिर से पहले हम थोड़ी देर रुके क्योंकि बाइक में एक अजीब सी आवाज़ हुई, मुझे लगा कि चेन में बेल्ट वगैरह तो नहीं आ गया। और यहाँ पर ये देखिए रोड बनी है और इस ट्रेन ने पूरा रोड को रोड पे छेद कर दिया है। देखिए कॉर्ड छेद हो गया है, तो ये यादगार रहेगा रोड में छेद किया हमने वो चारों तरफ पूरी कुछ भी नहीं बंजर विंड मिल्स हैं। टायर्स वगैरह देख लिए सब ठीक बराबर है, चलिए निकलते हैं। सर लौंगे वाला इधर आता है 38 किलोमीटर की डिस्टेंस पर है और यह फाइनली वी रीच्ड मातेश्वरी तनोट राय मंदिर से आ गया तनोट माता का मंदिर। ऑल राइट गाइस, हम पहुंच चुके हैं तनोट माता के मंदिर में और ये इसका एंट्रेंस है। So as you can see, this is the front of the mandir. तो चलिए अंदर चलते हैं। और यहाँ पर भी इसे लिखा हुआ है मातेश्वरी तनोट राय जी और तनोट प्रवेश द्वार। चलो लो Yeah.
सो यहाँ पर हिस्ट्री रिटर्न है। बस यहाँ पर जैसे मेंशन 1965 में भारत पाक युद्ध के समय पाकिस्तान ने मंदिर तथा आसपास लगभग 3000 बम लगाए थे। देयर मेंशन 3000 बम और 450 गोले मंदिर परिसर में गिरे, किंतु मंदिर को खरोच भी नहीं आई। सो क्लियरली मेंशन है कि 3000 बम लगाए थे, 450 गोले इस मंदिर के परिसर में डाले थे, बट इस मंदिर को कुछ भी नुकसान नहीं हुआ है। इसे बताया जाता है कि ये माँ तनोट माता की कृपा से हुआ है। और अभी इसका संचालन AKVSF ट्रस्ट द्वारा किया जा रहा है। BSF ने 1965 में सीमा चौकी स्थापित करी थी, तो इसलिए इतना फेमस है। और ये है तनोट विक्ट्री पिलर। चलिए अंदर चलते हैं। सो अब आ चुके हैं हम तनोट मंदिर में, और जो जिस जगह का जिक्र है ना कि बॉम्ब डिफ्यूज हुए थे वहाँ, वो थोड़ा सा दूर है। सो वहाँ पर क्या होता है कि एक सिपाही आपके साथ आता है गार्ड, और तब आपको देख पाएंगे। सो अभी हम जा रहे हैं पहले मंदिर देखने। और ये है मातेश्वरी तनोट राय का मंदिर। सो चलिए पहले दर्शन कर लेते हैं। रंगमली की मूर्ति यहाँ पे। योनी बॉम्ब का यहाँ पे बता रखा है जो डिफ्यूजिंग हुए थे इंडिया पाक वॉर के दौरान। यहाँ पर मेंशन है और लिख भी रखा था तनोट माता के चमत्कार। तो ये फोटो भी है एनिमिक अनएक्सप्लोडेड टाइल बॉम्ब्स, एक्सप्लोर नहीं हुए थे ये। हिस्ट्री के बारे में इंफॉर्मेशन है। फर्स्ट डी जो बी एस एफ AKF रुस्तम जी IPS थे ये। और ये जैसे कि मैंशन है बॉर्डर फिल्म के सुनी सकते थे निभाए जा सके किरदार। सो रियल में कुछ ऐसे दिखते थे वो, बट फिल्म को मूवी की तरह दिखाते हैं सॉन्ग्स वगैरह सब। और ये माता जी का मूर्ति, यहाँ पे शिवलिंग। राजेंद्र सिंह जी, रामदेव जी, राजेंद्र सिंह जी फील्ड में पड़े हुए जहाँ पे मतलब गिराए गए थे वहाँ पे नहीं है ना? ना वहाँ कैसे रह गए, वहाँ नहीं रहे। दीज आर द रियल बॉम्ब्स जो कि फेंके गए थे। लॉक देखे इसको खींचने से ओजोन, इसके एक एक का ना इतना ओजोन है उठा नहीं पाओगे, इतना भारी है। हाँ हो गई सर। लेके देखी उठा के ऐसे देखना, उठा के शीशा में ना लगे। हाँ। ऐसे उठा के देखना बस खाली उधर। हाँ सो दिस इज अ रियल बॉम्ब। सो अब तो नहीं हो सकते ना एक्सप्लोड, ये हो गया ना इसका डेट डिफ्यूज। ओह माय गॉड, अच्छा ये रियल बॉम्ब है। इनकी रेंज भी कितनी थी फिर? पाकिस्तान से आया उनका विक्रम का 71 की। बाप रे। सो ये रियल बॉम्ब से थे जो परिसर में गिरे थे, वही है हिंदी का स्को है भी। नहीं वो नहीं जा सकते। ऑल राइट सर, आपने देखे बॉम्ब्स, वो रियल बॉम्ब्स जो कि परिसर में गिराए गए थे, पाकिस्तान से आए थे वो। सो अभी तो डिफ्यूज कर दिया गया उनको, और वो रियल बॉम्ब्स से मुझे लग रहा था कि सिर्फ डेमो पीसेस रखें, बट दोज वर रियल। सब देखते हैं हम, एक्चुअली बॉर्डर यहाँ से 20 किलोमीटर्स पर हैं, बट हम बाइक से हैं और बाइक अलाउ नहीं है वहाँ पर। सो नीचे देखते हैं अगर कोई टैक्सी वगैरह हो जाए, कहीं इंतज़ाम हो जाए, किसी से पूछते हैं।
नहीं तो फिर सीधे निकल जाएंगे। सो अभी हम मंदिर परिसर में ही हैं, बट उस टाइम पे 1971 की बात है, उस टाइम पे कैसा माहौल रहा होगा यहाँ पे। हाँ, और ये तो सही में माता जी का ही चमत्कार है कि बॉम्ब यहाँ पे गिरे और एक्सप्लोड नहीं हुआ। आप क्या बोलना चाहोगे? रियली ना, उसमें क्लियरली मेंशन है माता के चमत्कार, और वहाँ पे फिर ऐसे आपने देखा ही नीचे बॉम्ब्स वगैरह रखे हैं। और उधर आप देख सकते हैं पूरा पीछे मिलिट्री एरिया, ये देखिए आपको सोल्जर दिख रहे होंगे, तो पूरा मिलिट्री एरिया। और ये मंदिर है, पूरा कॉरिडोर है, ऑल राइट। सो आप डिसाइड ये किया है क्योंकि बाइक से हमें जाने नहीं दे रहे, और यहाँ पर मैंने थोड़े से मिलिट्री वालों से भी बात कर तो बोल रहे बिना काम के आपको कार के 1,000-2,000 रुपये ले लेंगे, और ऐसा कुछ विशेष देखने को नहीं मिलता है। हाँ मतलब एक बस ऐसा तार बंधा हुआ है और बस वो बॉर्डर है, ऐसा कुछ वो नहीं है कि वहाँ पे आपको कुछ सिटी देखने को मिलेगी। तो चलिए थोड़ा सा चाय पानी करते हैं। तो अगर आप वहाँ जा रहे हैं तो आपको कार हायर करके आनी पड़ेगी, या कार हायर करके आनी पड़ेगी, फिर खुद की कार लेके आए। एग्जैक्टली। ऑल राइट। सो तनोट माता के मंदिर के बाहर एक भैया है नूतन कुमार, जिनकी पूजन सामग्री की शॉप है, काफ़ी अच्छा नेचर है भैया का। सो ये आपको सामने आगे मिल जाएंगी। सो ये भैया है हमारे नूतन कुमार जी। बहुत कुछ बताया हिस्ट्री के बारे में, हाय कर दो। सही, इनकी शॉप है पूजन सामग्री की। अच्छा ये, अच्छा अच्छा ये पंडित ब्राह्मणों की शॉप है। सो यहाँ से पूजन सामग्री लेके दर्शन कर लिया तनोट माता के। सब निकल रहे हैं यहाँ से तनोट माता के मंदिर, और ये नूतन कुमार जी बड़े अच्छे थे, ये खड़े हैं कि शॉप है यहाँ पे। चले ठीक है भैया, टच में रहते हैं, बिल्कुल टच में रहना, सब्सक्राइब करवाना। नहीं आप मिलते रहते ना टूरिस्ट वगैरह से, इसलिए हाँ वही तो कह रहा हूँ, वही तो कह रहा हूँ, थोड़ा बहुत टाइम पास हो, वही 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 ऐसे ना, आप अभी बोल के चले जाते तो हमारे को क्या पता था। सही बात है, सही बात है, आप बैठे तब मैगी भी खा लिया और चाय और बातें भी हो गई, बातें भी हो गई, और क्या, बातें ज्यादा इम्पोर्टेंट है, फिर पता नहीं कब मिले। वही तो, व्हाट्सएप पे भी हो आप? व्हाट्सएप, अच्छा अच्छा, नंबर दिया? बिल्कुल 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 टच में रहेंगे भैया। चलो कभी भी आपके लाइन से उधर कोई आए तो मंदिर मंदिर की जानकारी ले लो तो कॉल कर देना, मैं बता दूं। बिल्कुल बिल्कुल बताऊंगा मैं आपको, क्या है फिर परेशानी नहीं है, उसके पहले तो हम ही आ जाएंगे। आओ, आपके स्टार वगैरह आते रहते ना? हाँ हाँ, फैमिली जाके जाओगे तो उनको बोलोगे ना कि क्या हुआ जी। बिल्कुल करेक्ट, ऐसे ही होता है। अच्छा अच्छा, हाँ चले चलो। ठीक है भैया, है ना, चलो बाय। हाँ हाँ, सो ये थे नूतन कुमार जी, अच्छे भाई साहब थे। तो काफी कुछ बताया इन्होंने मंदिर के बारे में, बॉर्डर के बारे में, जो गांव आता है लोंगे वाला के बारे में। हाँ क्या ये और लोंगे वाला है ना, वहाँ पे हुई थी बॉर्डर की। अच्छा, चलना है क्या? हाँ बहुत एक्स्ट्रा लॉन्ग हो जाएगा वो। सो चलिए निकलते हैं, और अभी एक्चुअली टाइम की कमी की वजह से हम लोंगे वाला नहीं जा पा रहे हैं, और बाइक थी हमारे पास तो बॉर्डर नहीं देख पाए, बट ये भैया ने बताया कि कुछ भी नहीं है वहाँ पे, ये जस्ट लाइक दिस, अगर मैं आपको बताऊँ कि ये बॉर्डर है तो अभी मान लो, ऐसे तार बंधे हुए हैं। होशियारी होशियारी। तो चलिए अब निकल पड़े जैसलमेर की तरफ। सो आज का ब्लॉग यहीं समाप्त करते हैं।